بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. FM 99.4 पंजाब रंग दे प्रोग्राम झोक कुरान दे नाल मैं हाजिर हाँ तुहाडी खिदमत विच डॉक्टर मुहम्मद कामरान लियाकत भट्टी ते सामीन हाजरीन मेरे वसीब दे भराओ ते बहनों ए प्रोग्राम जुमेरात ते जुम्मे अल जहाड़ शाम 6 बजे FM 99.4 पंजाब रंग तो पेश कीता वैदा है तुहाडी खिदमत विच ताकि जिहड़े साडे वसीब दे भरा हैं बहना हैं वह कुरान ए पाक दा जिहड़ा तर्जमा ते उंदी तफसीर नूं समझण उंदे जिहड़ी अल्लाह ताला ने जिहड़ी गालियां कीतियां साडे नाल तुहाडे नाल उन्हां नूं असां समझूं ते उस समझण तों बाद उंदे उत्ते अमल करूं। मुसलमान होण दे वजह तों साडे किते जरूरी है कि असां अल्लाह ताला नूं दी कीती हुई गालियां नूं समझूं ते अमल करूं ताकि साडी दुनिया ते आखरत दोवें जिहड़ी है वह संवर वञन। ते ही पैगाम दे नाल ये प्रोग्राम शुरू किया गया है ते हमेशा कारी आसिम भट्टी साहब साडे नाल मौजूद होंदे ने इस प्रोग्राम विच इस प्रोग्राम दे रूए रवान ते ओ अज भी मौजूद हैं ते सूरह आले इमरान दे 8 रुकू असां कर चुके हैं पहले अज नौवां रुकू शुरू करे सूं ते मैं कारी साहब नूं आखसां कि प्रोग्राम दा बकायदा आगाज करें। जी कारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा खुसूसन अलाफ़ज़लिहिम व खातमन नबीजीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीजीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान दा मुताला असां करेंदे पैं पढ़दे पैं सूरह आले इमरान को इंदे 8 रकू असां पढ़ चुके हैं 9वें रकू को अज शुरू करेंदे पैं। इन्हां रकूएं जिहड़ी गल चलदी पई है हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम दा जिहड़ा मकाम है मरतबा है और बनी इसराइल क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम को अपना जद अमजद भी समझेंदे हैं जी ते इत्थे ईसाइयों का जड़ा जिक्र होंदा भी है उन हवाले नाल उन्हां को यह गल समझाई गई है सही कि देखो हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम की तालीमात या उन्हां दा पैगाम या तमाम अंबिया का पैगाम तो यह है जड़ा अल्लाह पाक ने कुरान च बयान फरमाया जी जी ही गल को अगर वधांदे हुए अल्लाह पाक ने इस रकू के आगाज विच अंबिया दे एक मुआहदे दा बयान कीता है जेड़ा अल्लाह पाक ने आलम अरवाह वैसे तो पूरी इंसानियत कोलू एक जी अहद गिदाई बिल्कुल लेकिन अंबिया दे कोलू एक खास अहद गिदाई जेड़ी उन्हां दे नबूवत मनसब नबूवत जेड़ा उन्हां दा मकाम है जी जी उन हवाले नाल हुंदा है एक खास ताल्लुक है सही उन्दा जिक्र हुंदा भी इस नौवें रुकू दे आगाज विच फरमाया अल्लाह पाक ने वाइज अखज़ अल्लाहु मीसाकन नबीयीन याद करो जड़े अल्लाह पाक ने तुहाकू तमाम अंबिया दे कोल एक अहद कीता है एक मुआहदा कीता है एक अहद कीता है अहद क्या है फरमाया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतनसुरुन्ना फरमाया कि जो कुछ भी मैं तुहाकू किताब ते हिकमत अता करा जी ये अल्लाह पाक ने अंबिया दे कोलू मुआहदा लिया अहद कीता सही वत तुहाडे कोल आवे कोई बिया रसूल जेड़ा तस्दीक करेंदे होए आवे जो कुछ तुहाडे कोल मौजूद है यानी सही पहले पहले नबी दी वो तस्दीक करे और आके दसे कि मैं भी अल्लाह दा रसूल हाँ अल्लाह ने फरमाया कि तुहाकू लाजमी है कि तुसा उंदे उत्ते ईमान घिनो सही और उंदी मदद करो सही ये लाजमी है तुहाडे वास्ते सही अच्छा ये गल है जिहड़ी अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कोलों ये मुआहदा कीता जी
वत हर नबी ने अपने बाद आवन आले नबी दी खुशखबरी जरूर दीती है। बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशखबरियां बयान की थी जी, लेकिन उन्हां को खुरेच खुरेच के ना कढ़ा है इंजील दे विचू। लेकिन वत भी एक इंजील है, इंजील बरनबास, उन्दे अंदर तो कसरत दे नाल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बशारतां ते खुशखबरियां मौजूद हैं, हाल ही भी मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूजी गाल इत्थे इह है कि इह आयत इवें समझो कि खत्म नबूवत दी भी एक बहुत वड्डी दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि मेरे बाद कोई नबी आसी, बल्कि इह ते फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आसी। और कुरान मजीद भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप खातमन नबीयीन हैं जी, और अहदीस दे विच वजाहत दे नाल हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी कोई ना जी, कई मौके ते जी जी कई मौके ते बिल्कुल ही। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जितने भी अंबिया आंदे रहन, और हर नबी अपने बाद आवण वाले नबी दी खुशखबरी दे के वेंदा ही। बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले जेडे नबी हैं, रसूल हैं बनी इसराइल च, ओ हजरत ईसा अलैहि सलाम हैं। ईसा अलैहि सलाम इन्हां को खुशखबरी दे के गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद आसन। बिल्कुल। ओ गाल है जेड़ी अल्लाह पाक ने इत्थे बयान फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ा मुआहदा असां कीता उन्हां कोलो गिद्दा है मुआहदा, ते फरमाया काला अकरार तुम वाखाज़ तुम आला दालिकुम इसरी। अल्लाह ने फरमाया क्या तुसां इकरार कर गिद्दा है, यानी ई गाल को मन गिद्दा है, और मेरी तरफ तू जेड़ी तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी पाई गई है ईकू तुसां कबूल कर गिद्दा है। इस अंदाज च यानी बाकायमी होशो आवास है मुआहदा अल्लाह पाक नाल अंबिया दा होया। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम अंबिया ने क्या आखा, कालू अकरारना, उन्होंने आखा कि या अल्लाह असा इकरार करेने मनेने हैं कि ये गाल तुहाड़ी असा पूरी करेसू, तुहाड़ी दित्ती हुई हिदायत के मुताबिक इस मुआहदे को असा पूरा करेसू। ते अल्लाह ने फरमाया कि काला फशहदू आना माकुम मिन शाहिदीन। अल्लाह ताला ने आखा अच्छा हुण तुसा भी गवाह रहो ते मैं भी तुहाडे नाल हुण गवाह हाँ जी, तुसा भी गवाह रहो मैं भी गवाह हाँ कि यह मुआहदा साडे ते तुहाडे दरमियान हुण तय हो गई है, हुण इस मुआहदे को तुसा निभावना है। फरमाया कि फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून, ते जैने भी मुंह मोड़ गिदा इस तू बाद ते यकीनन इया लोग सरकशन हद तू वधण वाले ना फरमानन। जेड़े लोग इस मुआहदे तो बाद अल्लाह दे नबियां दे मुआहदे तो बाद भी हकीकत जानण दे बाद भी ओ गाल छोड़ देवन ते नबी दी पैरवी ना करन, ईमान ना घिनावन, उन्हां दे ओ लोग अल्लाह ने फरमाया कि सरकशन ना फरमान हैं, गुनाहगार हैं, फासिक लोग हैं। फरमाया कि अफा गैरा दीन इल्लाही यबगून, ते क्या ए अल्लाह दे दीन दे सिवा कोई बिया दीन चाहते जी, इन्हां दी अंदर दी ख्वाहिश क्या है। एक सवाली अंदाज च अल्लाह पाक ने इत्थे इस आयत च गाल को बयान फरमाया है कि वह क्या चाहते हैं, अल्लाह दे दीन दे सिवा कोई बिया दीन चाहते हैं। फरमाया वलहू असलमा मन फिस समावाति वल अर्दी तौअं व करहं व इलैही युरजऊन। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ले आसमाना ते जमीन च जेड़ा कुछ भी है, जमीन व आसमान जो कुछ भी मौजूद है जी, वह सब कुछ अल्लाह पाक दे सामने झुकदा है। बिल्कुल। यानी एक तो जाहिरी झुकना है, दूजा है कि उनका किरदार दसेंदा भी, उनका अमल दसेंदा भी है कि हर शय अल्लाह पाक दी ताबेदारी करना। अल्लाह ने फरमाया कि चाहे वह खुशी दे नाल मन्ने अल्लाह दी गल, या वो कराहत दे नाल मजबूरन मन्ने, अल्लाह ने फरमाया कि और इसी तरह इन सारिया चीजा ने लौटना अल्लाह की तरफ है। बिल्कुल। इंसाना ने भी और ये सारी कायनात भी बिल आखिर अल्लाह पाक दी ते ये पैदा कीती हुई चीज है ना, इंसानियत वास्ते चाहे जितनी मर्जी चीज हो, अल्लाह पाक वास्ते तो कोई शय कोई नहीं जी। अल्लाह पाक ने तो एक तखलीक कीता, इंसान भी अल्लाह पाक ने तखलीक कीता, अल्लाह ने फरमाया कि बिल आखिर तुसा वल के मेरे को आवना जी, जवाब अल्लाह के सामने देवना है। फरमाया कि कुल आमन्ना बिल्लाही वमा उन्ज़िला अलैना, आख दो कि असा ते ईमान गिन आए हैं अल्लाह ते, ते जो कुछ साडे उते नाजिल कीता गया जी असा उंदे उते ईमान गिना दे हैं,
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, और जो कुछ नाजिल किया गया इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब अलैहिम सलाम ते और उन्हां दी औलादां दे उत्ते, यानी सबका अंबिया दे तमाम अंबिया ते जो कुछ भी अल्लाह पाक ने नाजिल किया है असा उस सारे ते भी ईमान गिना ने। बिल्कुल, ये गाल असा सूरा बकरा च भी पढ़ा है जी, उत्थे भी ही वजाहत दे नाल अल्लाह पाक ने गाल को बयान फरमाया। इत्थे भी अल्लाह पाक ने हूँ अंदाज एक बयान फरमाया कि तुसा आख दो कि असा ईमान गिना ने इंदे उत्ते भी जड़ा सारी तरफ नाजिल होया जी, और साबका तमाम अंबिया ते जड़ा नाजिल थी है कलाम अल्लाह दा अल्लाह दी तरफ तू वही नाजिल हुई है उंदे उत्ते भी असा ईमान गिना ने। फरमाया कि और उन्हां दी औलाद दे उत्ते जो कुछ भी नाजिल होया तमाम इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम और उन्हां दी औलाद ते जो कुछ नाजिल होया असा उंदे उत्ते ईमान गिना ने। वमा उतिया मूसा व ईसा व नबी जून अमिर रबीम, और जो भी मूसा ईसा और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को दिता गया उन्होंने रब की तरफ तू ला नुफरिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, और असा इन्हें चू कह दे दरमियान तफरीक नहीं सिकरें दे, यानी कह को मनना कह को ना मनना ये असा बिल्कुल नहीं करें दे। असा तमाम अंबिया ते भी ईमान गिना ने, और जेड़ा कुछ उन्हां ते नाजिल होया वही दी शक्ल च उंदे उत्ते भी असा ईमान गिना ने। और असा ते हैं ही ला नुफरिकु बैन अहद मिनहु व नहनु लहू मुस्लिमून, असा ते हैं ही अल्लाह पाक दे फरमा बरदार अल्लाह दी गाल मनण वाले, यानी अल्लाह ने फरमाया अले ईमान तुसा ऐलान कर दो, तुहाडी तरफो ए वजाहत उन्हां दी तरफ वंजनी चाहीदी है कि साडे ईमान दी कैफियत क्या है, उंदी वजाहत क्या है, असा किवें अल्लाह ते अल्लाह दे रसूलां ते उंदी किताबां ते ईमान रखदे हैं। फरमाया कि वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबला मिन, जेड़ा कोई भी इस्लाम दे सिवा कोई भी आ दीन इख्तियार करे सी करना चाहसी ते उंदे कोलू ए कबूल ही कोई ना कीता होवे सी। ये बड़ी अहम आयत है कि इंदे अल्लाह पाक ने एक गाल बयान फरमाई है कि जेड़ा दीन तो सिवा इस्लाम तो सिवा कोई भी या दीन इख्तियार करे सी उनको पसंद करे सी उन्दे मुताबिक जिंदगी गुजरे सी सही उन्दे को लो आखरत च ओ जिंदगी कबूल ही कोई ना कीती हुई सी ठीक। और निजाम क्या है असल इत्थे गाल ए दसी वेंदी वे कि इस्लाम को बतौरे दीन कबूल करो जी, और पूरा दा पूरा निजामे जिंदगी कबूल करो सही, सिर्फ मजहबी रसूमात या मुआशरती रसूमात दी हद तक नहीं बल्कि रियासत सियासत मईशत मुआशरत तमाम मामलात जितने भी हैं उन्हां दे विच दीन को तस्लीम करो, इस्लाम को तस्लीम करो, वत ते है दीन मुकम्मल। अधूरे दीन दा अंजाम असा पढ़ रहे हैं सूरा बकरा दे विच, उत्थे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह पाक कोई गाल मनन कोई ना मनन ई गाल को अल्लाह कबूल ही कोई ना करे। बिल्कुल, इत्थे भी उह गाल कीती वेंदी बे कि अगर इस्लाम तो हट गया और अज असा जेड़े दीन ते जींदे पए हां कदा असा सोचा कि वह दीन केड़ा है, दीन वह निजाम जिंदगी है जेको कबूल करके इंसान जिंदगी गुजरेंदा भी है जी, वह इस्लाम है या कोई होर है। अज जेड़ा दीन दुनिया दे विच चलदा भी है वह दुनिया आदि सैकुलरिज्म है, अगर असा इस्लाम को एज ए दीन नहीं अपनाया ना शौरी तौर ते उसको समझे ते ही निजाम को कबूल किया है तो वाल असा इस्लाम को इजतमाई सतह ते शौरी सतह ते कबूल ही कोई नहीं किया है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुहाडा ए हाल हो सी ते असा तुहाडे कोलू जिंदगी कबूल ही कहना करे सू, तुहाडे कोलू वो दीन गिनसू ही कहना जी। फरमाया कि वह मई यानी जी को असा आदे ना क्वालिफाई भी कोई ना करे सी जी, यानी वो रिजल्ट वास्ते पेश होने वास्ते वो पहले ही रिजेक्ट हो गए सी। फरमाया कि वमई यब तगी गैर अल इस्लामी दीनन फलई युक बाला मिन, अल्लाह ताला ने फरमाया जेड़ा इस्लाम दे सिवा कोई भी या दीन इख्तियार करना चाहसी तो उंदी तरफ तू वह कबूल ही कोई ना कीता वे सी। वहुआ फिल आखिरती मिन अल खासिरीन, ते वत आखरत च खिसारा उठावन वाले लोग हो सन, बिल्कुल ये लोग हो सन जेड़े खिसारे च पै गए अपने आप को खिसारे च पाया इन्होंने। फरमाया कि कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, किवें हिदायत देसी अल्लाह उन्हां लोगों को जेड़े ईमान तो बाद काफिर हो गए। सही, ये हुण होगा पस मंदर च हुआ यहूदियों की ते ईसाइयों की गल चलदी पई है कि वह शौरी सतह ते जानदे हन, और इंदे उत्ते पिछां असां वाकियात भी पढ़ाए हैं कि वह जेड़ा
मुबाहले का वाकया होया है। उस वक्त भी ये उन्होंने बिल्कुल ईसाइयों से वाजे हो चुका है। ते ओ मसला क्या बनता है? मसला होता है मफादात का। दुनियावी जेडे मफादात हैं ये रुकावट बनते हैं कै चीज को रद्द या कबूल करने च। अल्लाह ने फरमाया कि उस कौम को अल्लाह किवें हिदायत दे सी जिन्हें ईमान दे बाद कुफर इख्तियार कीता है। फरमाया कि वा शाहिदू अन्न रसूल हक्कुन, और उन्होंने गवाही दी है कि रसूल हक्कन जी। ये वाकयात मौजूद हैं तफसीर दे अंदर भी और सीरत दे अंदर भी। वो जड़ा नजरान दे ईसाइयों का वफद आया है जी, उन्दे च डू वड़े वड़े उन्होंने आलिम भी बहुत सारे आलिम हैं, लेकिन डू वड़े टॉप दे आलिम हैं। एक दा नाम अलकमाई, दूजे दा नाम कुर्ज है। कुर्ज हुंदा छोटा भी राह है, राह दे विच आंदे हुए उन्दे घोड़े को एक जगह टक्कर लगी कि थाई ते वो थोड़ा जिहा डवण लगा, तो उन्हें इवें अजीब जे अल्फाज च हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया ना, ते वो वड़े बिरा ने उकु अलकमा ने रोका कि तू क्यों उन्दे बारे च इस तरह की गाल करेंदा पिया, ते असें जानने के वो अल्लाह दे रसूल हैं जी। यानी ये आवन तू पहले वो उन्हां ते वाजे हो चुका है, हाली मुलाकात नहीं हुई, हाली राह है जन। वो तो मोबाइल की दावत हजूर ने दी, तो चले गए वापस, वो नहीं आए। लेकिन ये चीजा पहचान चुके हैं। वालो छोटे बिरा ने आखा कि तुस अगर ये सारिया चीजा जान दे हो, पहचान दे हो, तो तुहाडे उते वाजे हो चुकी हैं, तुस मने दे क्यों नहीं हो? वल उन्हें आखा गाल ये कि साकू रोमन अंपायर ने, रोमी बादशाह ने बड़ी मरात दी हुई है, बड़े ओहदे दिते हुए, बड़ी बड़ी जागीर दी हुई हैं, बड़े बड़े जेडे हैं वो इबादत खाने बना के दिते हुए हैं। अगर असा इस्लाम कबूल कर लेने तो सारा कुछ साढ़े हथु आएंगे सही। वो मफादात आड़े आ गए, यानी अल्लाह ने वह गाल इतने बयान फरमाई जी कि ए मफादात दे पिछू पै के और जान बुझ के हक दे उते ए इनकार करें दे पैन, और ये जान देन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हक लेके आए और हकीकत दी तरफ ही दावत दें दे पैन साकू। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वजा अहमुल बयीनात, उन्हां दे कोल बिल्कुल वाजे और खुली निशानियां आ चुकियां। इस दे बाद जेड़े ले ओ खुली निशानियां भी आ चुकियां, ओ पहचान भी चुके, ते अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह पाक ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देंदा, ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं देंदा, ऐसे जालिमों को अल्लाह पाक हिदायत नहीं देंदा जेड़े जान बुझ के हक को लुकावें, उन्दे कोलो मुंह मोड़न, और ये गल ही उन्होंने ते बिल्कुल वाजे हैं। और ये गल भी असं यहूदिया के हवाले नाल भी पढ़ा है कि उन्होंने जेड़े ले डिठा कि इस्लाम का तो रोब इतना कि एक बारी जेड़ा कबूल कर गिंदा वो पिछे नहीं हटता, भावें उन्हें मार दो, जायदाद लुट गिनो, कारोबार उजाड़ छोड़ो, वो पिछे नहीं हटता। उन्होंने स्कीम सोची कि अपने बंदे तैयार करो जेड़े वन के सवेरे ऐलान करें इस्लाम का, तो शाम को इनकार कर रहे हैं। इन्हें नतीजे च लोग कुछ सोचने दे मजबूर हो गए। इस तरह दी स्कीम जान बुझ के बनाते रहन, ते अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे जालमा को अल्लाह पाक हिदायत नहीं देंदा। अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिमुल लानत अल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानत अल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। इया ओ लोग हैं जिन्हां दा बदला यह है कि उन्होंने उत्ते अल्लाह दी, अल्लाह दे फरिश्तियां दी, ते तमाम इंसानां दी लानत है सही। इन्हां दी जज़ा यह है, इन्हां को सज़ा यह मिलती है कि दुनिया च जींदे ते इन जलील थी के जींदे जी, अल्लाह दी लानत उन्हां दे उत्ते हर वक्त वसदी रहंदी है कि जेड़े जान बुझ के हक दा इनकार कर रहे हैं जी, हकीकत को ना मनन। फरमाया कि खालिदीन फीहा, ओ ही लानत च हमेशा रह सन, ही लानत दे विच ही गिरफ्तार रहा सन, या लानत ही इन्हां दे पिछू लगी रहा सी। फरमाया कि ला युखफ्फफ अनहुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और इन्हां दे अज़ाब विच कोई भी कमी कोई ना कीती वैसी, ना ही इन्हां को कोई मोहलत दिती वैसी सही, कोई अज़ाब विच थोड़ी जी नरमी कर दिती वजे बिल्कुल कोई ना सी। यानी इस लानत विच दुनिया च भी गिरफ्तार रहा सन, आखरत विच भी, और बिल आखिर इन्हां जहन्नम दे अज़ाब विच पहुंचणा जी। और उत्थे अल्लाह ने फरमाया कि कोई कमी भी कोई ना कीती वैसी, और कोई थोड़ा जिया जिम्मे रेस्ट दे के थोड़ी जी रिलैक्सेशन दे देती वजे, ऐसा भी कोई चांस कोई नहीं उत्थे सही। ते अल्लाह ने फरमाया कि इल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका वासलहू
ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੌਬਾ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਮੇ ਕਿਆਮਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੀਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਸੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਲਜ਼ੀਨਾ ਤਾਬੂ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਵਾਸਲਾਹੂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਨਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਗਿਨਣ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਔਰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਬਾਦਾ ਈਮਾਨਿਮ ਸੁਮਜ਼ਦਾਦੂ ਕੁਫਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰ ਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਆਈ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਔਸਾਫ ਕਿਆ ਸਨ ਪਹਿਚਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਤ ਨਾ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਹੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਫਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਨ ਤੁਕਬਲਾ ਤੌਬਾ ਤੂ ਹੁਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਵੱਧ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਸਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਚ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੌਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਹੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾ ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਦ੍ਦਾਲੂਨ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਗੁਮਰਾਹਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਸੀ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਸਲਬ ਕਰ ਲਵੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸੀ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਅਮਾਤੂ ਅਹੁਮ ਕੁਫਾਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹੀ ਹਾਲ ਚ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫਿਰ ਫਲੈ ਯੁਕਬਲ ਮਿਨ ਅਹਾਦਿਮ ਮਿਲ ਉਲ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਹਬੰ ਵਲ ਵਿਫਤਦਾ ਬਿਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਦੀਏ ਚ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬੂਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਸਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣ ਹੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਵਲ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੱਲ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਨੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰ ਛੋੜੀਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਤ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਨੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
माफ़ी दा चांस माफ़ी दा वक्त ए जेड़े ले इंसान को साह हैं ताकत है दुनिया दे वसायल हैं दुनिया जिंदगी है जी ए टाइम है जेड़ा इंसान ने इंदे को फायदा उठावना है। अल्लाह ने फरमाया कि उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम ए ओ लोग हैं जिन्हें वास्ते अल्लाह पाक ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है और फरमाया कि वमा लहुम मिन नासिरीन और उन्हें वास्ते उत्थे कोई मदद करने वाला भी कोई ना हो सी उस ने उन्हें वास्ते कोई मदद आ वंजे कोई किथाऊं बेहतरी दी उम्मीद हो वंजे कोई किथाऊं सहारा मिल वंजे ऐसा कोई उन्हें को इमदाद कोई मदद कोई चीज ऐसी उन्हें को मिलने वाली कोई नहीं। सही ये चीज है जिहड़ी अल्लाह ताला ने इस रकू विच बयान फरमाई है। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह पाक साकू अपने कलाम की समझ अता करे ते अमल की तौफीक देवे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी भेणा ते भराओ ये प्रोग्राम अज सुना है नौवां रकू सूरे आले इमरान दा इंदे जड़ा ये गल जिक्र होंदा पिया ईसाइयां दा कि ओ किस तरीके नाल उन्हां दे ईसाइयां दे आलम बड़े अच्छे तरीके नाल जानदे ते पछाणदे हन हजूर सल्लम नूं कि उन्हां दे नबी होण दा जिहड़ा हे उन्हां नूं पूरा यकीन है। लेकिन के है मनेंदे इस पर उन्हां कि जिहड़ी साडी चुदराहट है जिहड़ी सानूं इडू आडू आलम होवण दी वजह तों पैसे आंदे न जगीरां मिलदियां बादशाहां दी खुशनुदी हासिल आउंदी है उंदी वजह तों उह साडे कोल हट वै सी अगर असां उह बादशाहां दी मर्जी तों हट के असां इस्लाम कबूल कर लै सां ते अज भी अगर साडे अपने गिरबान च अगर देखूं ते उंदे च भी सानू बहुत सारे ऐसी चीजा लगते हैं कि असा सिर्फ दिखावे किते लोकां नू मुतासिर करन किते या लोकां नू खुश करन किते करेंदे पए होने ते सानू पता होंदा कि असा गलत करेंदे पए हैं सानू पता होंदा इंदे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो सी सानू पता होंदा इंदे तो साडे प्यारे आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो सन उन्हां दी दसी हुई गालियां तो बिल्कुल उल्ट करे सू सिर्फ दुनिया के चंद टके कमावन किते या चंद दियां दी इज्जत किते जिहड़ी सानू शाबाशी कितों कै वड्डे बंदे तो मिल वै सी कै हुकूमत तो मिल वै सी कै मिनिस्टर तो मिल वै सी उंदे किते असां अपनी दुनिया ते आखरत नूं तबाह कर लैने हैं। लिहाजा सानू इस पैगाम तो सोचना चाहिए है कि जिहड़ा है इस जिहड़ा दीन है वह इस्लाम है तो वह पूरी तरह नाफिज होना चाहिए सारी जिंदगी सिर्फ नमाज रोजे तक नहीं होना चाहिए जकात तक नहीं होना चाहिए या विरासत तक नहीं होना चाहिए बल्कि हर मामले च होना चाहिए। इन मिसाल मैं इवें दसा कि एक बंदा है उनके डा परचे उन्हें डावी का इम्तिहान या कोई भी है उनके डा पेपर लेने अगर वह छी पेपर की तो तैयारी चंगी तरह करे चार पेपर की ना करे वह कल छी पास हो वैसे चार जल फेल हो सी वह वल भी फेल ही किला सी वह पास ना किला सी इवें ही अगर असा सिर्फ इबादत तक दीन नू रखेने हैं या कुछ मामलात तक रखेने हैं तो बाकी मामलात असा दीन तू हट के करेने हैं अल्लाह ते उंदे रसूल तू हट के करेने हैं तो वल असा फेल हैं वल असा पास कह नहीं से। लिहाजा जितने साडे माली मामलात हैं साडे जकात दे मामलात हैं साडे सूद दे मामलात हैं या सियासत दे मामलात हैं उंदे च भी असा देखना है कि असा सियासत च किनू सपोर्ट करेंदे पए हैं अच्छाई नू करेंदे पए हैं या बुराई नू करेंदे पए हैं कै नेक आदमी नू करेंदे पए हैं या कै बदकार नू करेंदे पए हैं ये चीज़ां जिहड़ियां ओ सानू सिखणियां चाहीदियां इहो कुरान सिखांदा सानू कि हमेशा अच्छे लोकां नू ते अच्छाई नू जिहड़ा है तुसां सपोर्ट करो उंदे पिछू खड़ोवो उनू अपने अंदर पाओ ते बुराई तो बचण दी कोशिश करो इहो पैगाम जिहड़ा है अज असां देख के तुहाडे कोल इजाज़त चाहसूं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वल हाजिर होसूं सानू सुनदे रहो अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबान सदकल्लाहुल अज़ीम।